पर रेखा डायग्नोस्टिक सेंटर एवं यूनिट ऑफ कमाल एक्सरे का उद्घाटन पागवाड़ा डिंगरपुर रोड समाथल चौराहे पर आज रेखा डायग्नोस्टिक सेंटर एवं यूनिट ऑफ कमाल एक्सरे का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डॉक्टर अरविंद गुप्ता MD रेडियोलॉजिस्ट ने फीता काटकर क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा देने का आश्वासन दिया। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि रेखा डायग्नोस्टिक सेंटर पर 3D, 4D, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, ECG, डिजिटल एक्सरे और पैथोलॉजी लैब की सुविधा मरीजों के लिए की गई है। उनके द्वारा ही मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। MD बसत खान ने इस दौरान बताया कि पागवाड़ा, डिंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में एक भी अल्ट्रासाउंड बेहतर सुविधा देने के लिए उपलब्ध नहीं था। मरीज अच्छी सुविधा के लिए मुरादाबाद जाने के लिए मजबूर थे। इसी परेशानी को देखते हुए रेखा डायग्नोस्टिक सेंटर एवं यूनिट ऑफ कमाल एक्सरे की शुरुआत की गई है, ताकि मरीजों को समय पर और उनके नज़दीक ही बेहतर सुविधा मिल सके। पागवाड़ा, डिंगरपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि मुरादाबाद की तर्ज पर भी पागवाड़ा में एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड मरीजों के लिए किया जाए, ताकि उन्हें सही और बेहतर सुविधा मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। इस मौके पर आसपास के समस्त डॉक्टर्स और क्षेत्रवासीगण मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, उनके मैनेजर बसत खान को बधाई दी। डॉक्टर AK गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, हाँ, आज ये रेखा डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं, और आई होप कि हर तरह की जितनी भी सुविधाएं अल्ट्रासाउंड एक्सरे की, मैं कोशिश करूँगा लोगों को दूँ और अच्छी रिपोर्ट। जी, अल्ट्रासाउंड की जो भी इन्वेस्टिगेशन है ऑलमोस्ट ऑल, और एक्सरे के भी, मैंने अभी तो एक्सरे के भी जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होते हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद बसद उर्फ गुड्डू, और मैंने आज रेखा डायग्नोस्टिक सेंटर का यूनिट ऑफ कलाम एक्सरे का शुभारंभ किया है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड, 3D, 4D, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी, ECG, ये सारी सुविधाएं हमारा सेंटर पर उपलब्ध होंगी। डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता MD रेडियोलॉजिस्ट हैं, और वो ही हमारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करेंगे। टाइम टेबल है 10 से 5 बजे तक का टाइम है, और मैं समझता हूँ कि पागवाड़ा क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिससे कि लोगों को शहर में जाते थे वहाँ परेशानियाँ होती थी, तो वो सुविधा देने का मैंने कार्य किया है।